की काउंसलिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई, क्योंकि आपको सबसे पहले बता दिया गया था इस चैनल पे, मैंने आपको 21 को ही बता दिया था कि राउंड वन का फाइनल लिस्ट आपको रिलीज कर दिया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रहा है नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर। सो बच्चों, आप सभी मेरे व्यूअर्स, आप सभी को अपडेट यहाँ पर मिल रहा है। सो गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे तो सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। तो चलिए, एक बड़ी अपडेट जो नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर आ रहा है वो मैं आपको जल्द से जल्द बता दूं। देखिए, बहुत से बच्चों का ये सपना होता है कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए एम्स के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉलेज और लोगों में क्रेज रहता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज को लेकर। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी अपडेट निकल गया है, नी नोटिस फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द आर्म फोर्स में एडमिशन थ्रू द नीट यूजी 2022। तो चलिए, अब इसको डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक एक बात आपको यहाँ बताऊँगा। सो गाइज, वीडियो के साथ बने रहिएगा इस चैनल पर, यही गाइज की सारी अपडेट आपको यहां मिलते रहता है। तो चलिए अपडेट को देखते हैं। देखिए, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, जी हां, के लिए एमबीबीएस एडमिशन नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर इस नोटिस में आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, मेरिट लिस्ट सबमिटेड बाय एमसीसी के द्वारा जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उस 3 अक्टूबर को, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर को हुआ था, उस आधार पर यहाँ उसका रोल नंबर और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एमसीसी के वेबसाइट पर आप सब कर लिया है। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड इंटर द एफएमसी गेट नंबर 4 से आपको इंटर करना है, ठीक है, और एंड रिपोर्ट ओ आई सी एडमिशन द ए पी आर मा, ठीक है, हॉल एज पर द रिपोर्टिंग डेट और टाइम, नंबर ऑफ सेपरेट कॉल लेटर और स्क्रीनिंग होगा, सारी अपडेट यहां दिया जा रहा है। सो स्क्रीनिंग प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लॉजिक रीजनिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आपका, इंटरव्यू बेस्ड ऑफिसर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जी हाँ, और मेडिकल बोर्ड, इस आधार पर आपको स्क्रीनिंग होगा। दूसरी बात यहाँ बता दूँ कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.afmc.nic पर या फिर www.afmcdcdg1d.gov.in से आप इसको स्कैनिंग करवा लेंगे अपने को, ठीक है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग जो टाइमिंग है वो बताया जा रहा है 2 इंस्टॉल्ट से पुणे, जो 7:30 बजे सुबह से लेकर 9:30 बजे तक स्कैनिंग आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग बता दिया गया है और अगर आप इसको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो है, देखिए, नीट का एडमिट कार्ड, सीट रिजल्ट सीट नीट 2020, 10 का मार्कशीट, 10th का पासिंग मार्कशीट इफ मेंशन, ठीक है, 10 का मार्कशीट आपको लगेगा, 12 का मार्कशीट लगेगा, 12 का पास सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगा जाएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिगेशन सर्टिफिकेट चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपका चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, नेशनलिटी आपको सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुछ भी आपको देना होगा या फिर गैप सर्टिफिकेट। देखो, यहाँ गैप सर्टिफिकेट से बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जो साइलेंट में क्लास ले लेते हैं वो गैपिंग जो हो जाता है उसको साइलेंट कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, साइलेंट उसे नहीं कहते हैं, साइलेंट हुआ जैसे मान लो 2022 में आपने एग्ज़ाम दिया है और 2020 में ही पास किए, तो दोनों सेम ईयर्स है तो यहाँ गैप नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो 2002 में आप एग्ज़ाम दिए और पास नहीं हुआ, 2022 को दिए हो, और आप अगर नीट का एग्ज़ाम 2025 में आपको मान लो क्लियर करते हैं, तो 3 साल का 12 और नीट के एग्ज़ाम क्लियर में 3 साल का गैपिंग होती है, वो गैपिंग सर्टिफिकेट कहलाता है। और ये गैप सर्टिफिकेट जो है आपको बनता है नोटरी से, कोर्ट के द्वारा से। तो चलिए, ये सब आपको सबमिट करना होगा। और यहाँ पर देखिए, कॉलेज भी जो है ये जैसे बैच नंबर वन में भी डेट और रिपोर्टिंग टाइम 26 अक्टूबर 7:30 बजे सुबह में, इसमें भी बैच में देखिएगा 37 नहीं पूरा 100 तक होगा, ये देखिए 100 तक पूरा कंप्लीट है, बैच टू में भी 100 है, इस तरह करके देखिए बहुत से बच्चों का यहाँ पर इनरोलमेंट हो जाता है। सो गाइज, आप सभी को जो आर्म फोर्स के लिए अलॉटमेंट मिला है उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन और वेल मेंटेन से यहाँ आर्म फोर्स की पढ़ाई होती है मेडिकल का। सो गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर मिलेगा, छोटी छोटी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा
और अगर आप चाहते हो चैनल पे सही इन्फॉर्मेशन मिला तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन कर लीजिए ताकि सही अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।